हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 एम्पीयर ट्रांसफार्मर का वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पीयर और 220 वोल्ट का है और ये ज़्यादातर 44-40 एम्पलीफायर में लगता है। इस ट्रांसफार्मर को मैं बाइंडिंग करने से पहले आपको इसके बारे में छोटी सी एक जानकारी दे दूँ। देखिए, हमारी इसमें ये कॉइल लगी होती है और ये हमारी बॉबिन है, इसकी प्लास्टिक की बॉबिन जो है, ये तो हमारी बेकार हो गई है, इसमें हमें दूसरी बनानी पड़ेगी। और इसमें हमारी जो कॉल बनती है, इसमें एक प्राइमरी कॉल होती है जो अंदर की साइड में लाइट के लिए होती है और डीसी के लिए होती है हमारी ये सेकेंडरी कॉल। देखिए, आपको मैं इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमने कॉल का मैप बना लिया है और इसमें जो पहली लेयर जो दिख रही है, फर्स्ट लेयर, ये हमारी बॉबिन है जो पीवीसी की ट्रांसफार्मर पर होती है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है, इसके ऊपर ये बॉबिन जो है, इसी के ऊपर हमारी कॉल बनती है, तो ये वाली हमारी बॉबिन है। और इसके बाद हमारा जो इस बॉबिन पे जो तार लपेटा गया है, मान लो ये जहाँ से लपेटा गया है, इसके अंदर जो लपेटा हुआ है, ये यहाँ तक, ये एसी की कॉइल है, ये वाली जो है, इसमें ये एसी की कॉइल है और इसके 2 बार जो आते हैं। और इसके बाद में हमें ये एक गत्ते की लेयर या किसी पट्टी की लेयर इस पर लगानी पड़ती है, जो कि हमारी दूसरी कॉइल शॉर्ट ना हो। इसके बाद में हमें ये सेकेंडरी वाली कॉइल जो है, इसके वायर हमें लपेटने पड़ते हैं, ये डीसी के लिए। ये हमारी सेकेंडरी की कॉइल है और इसमें डीसी के 12 वोल्टेज आते हैं, डीसी का तो नहीं, इसमें एसी के 12 वोल्टेज आते हैं, लेकिन वो रेस्टिफायर डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। देखिए, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी, तो इन दोनों के कोई वायर आपस में टच नहीं होते, इसके वायर अलग रहते हैं और इसके वायर अलग रहते हैं। इसमें एक हवाई करंट बनता है, हवाई करंट इस कॉइल में आता है, इसमें यहाँ बीच में दोनों कॉइल के बीच में एक गत्ता लगा होता है। इस कॉल को अगर आप डायरेक्ट लाइट में लगाओगे तो ये जल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी तुरंत। इसमें जो पत्ती लगती है उसी से चलती है ये। तब हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसके नीचे ये 4 लॉक लगे हुए हैं, इनको चारों को हमें पहले अनलॉक करना पड़ेगा, ऊपर से उठाना पड़ेगा, उसके बाद में इसकी पत्ती निकल आएगी ये यहाँ से। देखिए, इस ट्रांसफार्मर को ओपन करने से पहले सबसे पहले हम इसकी बॉबिन की ये दूरी नाप लेंगे, क्योंकि ये बॉबिन हमारी जली हुई है और हमको ये दोबारा दूसरी बनानी पड़ेगी। तो इस ट्रांसफार्मर की मोटाई जो है 1.2 इंची है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2.2 इंची है, तो हमें इसकी मोटाई से काम है, ये 1.2 इंची है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें देखिए, ये दो दो पत्ती लगी हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारी पत्ती लगी है, देखिए यहाँ एक साथ में 4-5 लगी हैं, तो ये यहीं से ओपन होगा। इसको इस तरीका से दबा के ऊपर इसकी पत्ती ये निकल आएंगी। अब इसमें ये 2-4 पत्ती हमें यहाँ रख के ऊपर हथौड़ी से ठोक देनी है और ये नीचे निकल आएंगी। अब इन पत्तियों को पकड़ के हाथ से खींच लेना है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो पत्ती निकली है वो 23 नंबर निकली है, इसका साइज और इसका साइज एक है, 23 नंबर पत्ती है इसमें। देखिए, इस कॉइल में इसकी बॉबिन जल चुकी है और इसका तार सेफ है, तो इसके तार को हम इस पाइप पर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको वाइंडिंग करेंगे। इसकी बॉबिन को बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर आपके पास मोटा पेपर नहीं है तो उसे डबल भी कर सकते हो, और उससे हल्का है तो ट्रिपल लेयर भी कर सकते हो। और इस पेपर पर हमें ये निशान लगा लेने हैं पेंसिल से, और इसमें ये इसकी दूरी कितनी रखनी है, ये हमारी ये जो पत्ती जो है इसके बीच का जो एरिया है, इसके बराबर हमें इसकी दूरी रखनी है, और ये साइड में जो है इसके आई के बराबर है, ये एरिया आई के बराबर है और इसके पीछे भी ये आई के बराबर है, बीच में ये इतना है। देखिए, इसकी कॉइल की जो लंबाई जो थी हमारी 1.2 इंची थी, और ये 1.2 इंची, इसमें 4 साइड लगेंगे, ये 2 आमने सामने रहेंगी इस साइड और ये आमने सामने रहेंगी, तो हमारी ये साइड जो है इसकी चौड़ाई जो है ये बीच में ये ई का जो इतनी है ये,
इस ई के बीच का ये सिरा जो है इतनी है इसकी चौड़ाई, और जहाँ ये भी इसके बराबर है इतनी, और ये हमारी ये साइडों में आई के बराबर है, इसके आई के बराबर ट्रांसफार्म जो निकलती है, और ये 1.2 इंची 1.2 इंची, और ये हमने मोड़ के लिए थोड़ा छोड़ दिया। अब इसको हम कैंची से काट के निकाल लेते हैं। अब देखिए ये पेपर हमने काट के निकाल लिया है, और जो निशान जो लगे हुए हैं ये इन साइडों से हमें इस पेपर को बेंड कर देना है, इस पीछे पैमाना लगा के, जो कि ये सीधा यहाँ से बेंड हो जाएगा इस तरीका से, चारों साइड हमें बेंड कर लेनी है। अब जो देखिए ये बॉबिन इस तरीका से बन जाएगी हमारी, और इस कॉइल इसके ई के साइज की ही ये बनेगी। और इसमें यहाँ से कट लगा लेने हैं कैंची से चारों साइड में। अब देखिए ये चारों साइड में कट लगा दिए हैं। अब जो कट लगे हुए ये जो है, अब जो साइड हमें ऊपर को मोड़ देनी है, या हमारी कॉइल जिसमें रुकेगी, सभी को इस तरीका से मोड़ देंगे। अब जो बॉबिन इस तरीका से हो जाएगी कुछ। अब इस बॉबिन के जॉन्ट को हमें फेविकोल से रोक देना। अब थोड़ी देर 1-2 मिनट इसको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि नहीं तो जॉन्ट इसका खुल जाएगा, अच्छी से चिपक जाएगा 2-1 मिनट में। अब देखिए इस बॉबिन के ये हमारे कोने खुले हुए हैं, तो इसके लिए हमें एक रिंग टाइप की बना के इसमें ऊपर से लगा देनी है, जिससे कि इसके कोने बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें इसके अंदर का नाप ले लेना है। इसके बाद में इसकी साइड से बाहर का नाप ले लेना है। अब इस रिंग को हमें काट के निकाल लेना है। अब देखिए हमने ये एक रिंग इस बॉबिन के लिए बना ली, और ये बॉबिन में हमारी ये अंदर जहाँ नीचे को फंस जाएगी, इस पर थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे। अब इस रिंग को हमें फेविकोल लगाने के बाद इस बॉबिन के ऊपर फंसा के नीचे को खिसका देना है, और यहाँ ये चिपक जाएगी। अब इसकी हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड तैयार कर लेनी है। अब देखिए इसकी सेकंड साइड की भी रिंग तैयार कर ली हमने। इसको यहाँ ऊपर फंसा देना है, और फंसाने के बाद यहाँ इस पर फेविकोल लगा के इसको मोड़ के इस पर चिपका देना है। इसको बेंड करके यहाँ, और इसको चिपका देना है इस तरीका से। अब देखिए इसकी ये बॉबिन बन गई, और इसमें ये ओवर साइज जो है इस पेपर को काट देना है, जिससे हमारी पत्ती इसमें अंदर चली जाए। अब इसमें इस ई को एक बार डाल के देखते हैं। देखिए ऊपर नीचे अब बिल्कुल फिट है ये बॉबिन हमारी। अब इसकी वाइंडिंग करते हैं। देखिए इस कॉइल को वाइंडिंग करने के लिए हमें 35 नंबर वायर चाहिए। आप एल्युमिनियम या कॉपर कोई सा भी ले सकते हैं, और इसमें टर्न जो पड़ेंगे हमारे 1600 टर्न पड़ेंगे। अब इस वायर का सिरा जो है हमें इसकी पॉलिश हटा लेनी है, और इसमें एक 0 नंबर की स्लिप तार में डाल देनी है इसके जॉइंट पे, जिससे कि इसके एक दूसरे से वायर आपस में टच ना हो। इसके बाद हमें एक बॉबिन में सुराख कर लेना पेचकस से, फिर उसमें हमें इस वायर को डाल देना है। ये प्राइमरी कॉइल का पहला वायर हो गया। अब इसमें एक एक करके टर्न आप डाल सकते हैं, ये एक साइड में डालने पड़ेंगे, या तो आप उल्टा घुमा लो या सीधा घुमा लो, वो आपकी इच्छा है। दोनों तरह से किसी भी तरीका से घुमा सकते हैं। इसमें हमारी प्राइमरी कॉइल में 35 नंबर से 1600 टर्न पड़ेंगे, और सेकेंडरी कॉइल में 24 नंबर से ये 100 टर्न पड़ेंगे। अब इसकी ये प्राइमरी वाली कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके दूसरे वायर का जॉइंट इसमें लगा देंगे। इस वायर में स्लिप लगा के इसको आयरन से सोल्ड कर देंगे। अब इस पर एक टेप लगा देंगे, जिससे कि ये वायर इधर उधर ना हो। और इस पर एक ये पेपर की पट्टी बना के ऊपर लगा देनी है, और इस पर टेप लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें सेकेंडरी कॉइल बनानी पड़ेगी, वो इससे वायर टच हो जाएंगे नहीं।
अभी सेकेंडरी वाला वायर है, इसका पुराना ही वायर है ये, तो इसका सही निकला था, अंदर वाला वायर हमने चेंज कर दिया, वो बेकार था। अब इस वायर को यहाँ टेप से लगा के और एक एक टर्न करके घुमा के डालने हैं। आप उल्टा सीधा किसी तरीके से डाल सकते हो, एक ही साइड से सभी घूमने हैं। और ये वायर से वायर मिला के लगाना है, अगर इधर उधर उल्टा सीधा डालोगे तो इसमें वायर नहीं आएगा, वायर से वायर मिला के। अब देखिए हमारी कॉइल सेकेंडरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके दूसरे वायर में स्लिप लगा के इसके दो कनेक्शन आ गए, ये बाहर आ गए, ये इधर। इस पर टेप लगा देना है, इसके बाद में पेपर की पट्टी ऊपर लगा देनी है जिससे कि इसकी कॉइल शॉर्ट ना हो। अब देखिए इस कॉइल के अंदर हमें इन पत्तियों को फंसा देना है। इन पत्तियों को फंसाने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें प्लस माइनस का हिसाब होता है, अगर उल्टी सीधी लगाओ चलता तब भी है लेकिन बढ़िया काम नहीं करेगा, एम्पीयर लेगा, लोड लेगा। और देखिए जब इसमें एक साइड जो है हमारी प्लेन होती है और एक साइड जो है नुकीली होती है, ये हाथ से मालूम पड़ती है, एक साइड नुकीली है, ये नुकीली साइड है और ये साइड जो है इसकी प्लेन है, तो प्लेन वाली साइड हमें एक साइड में रखनी है, प्लेन वाली हम ऊपर को करके चलते हैं। इसके बाद में इसकी प्लेन देख, हाथ से प्लेन देख के प्लेन ऊपर को रखनी है, और इसके आगे हमें एक आई रख देनी है, वो भी देख के, इसकी किनारी ऊपर नीचे रहनी चाहिए, फिर इधर से एक ई रखनी है और इधर से एक आई रखनी है, इसके आगे इधर से ई रखनी है, इधर से आई रखनी है, और आपको एक एक पत्ती ही लगानी है शुरू में। अगर एक से ज़्यादा लगा दोगे, एक एक बार में दो दो चार चार, एक बार में दो दो चार चार पत्ती एक साथ लगाओगे तो उससे फिर ट्रांसफार्मर एम्पियर लेगा, बढ़िया काम नहीं करेगा, तो एक एक ही पत्ती लगानी है, और लास्ट में दो दो तीन तीन लगा दो जो कि पत्ती फंसाने के लिए बस। अब इसमें सभी पत्ती लग चुकी, थोड़ी सी रह गई है, तो अब इसमें हम डबल डबल पत्ती लगाएंगे क्योंकि पत्तियों के बीच में पत्ती हमें लगानी पड़ेंगी। देखिए हमने पूरे इस ट्रांसफार्मर में सिंगल सिंगल पत्ती लगाई है, यहाँ के डबल लगाई है, डबल पत्ती, ये डबल वाली पत्ती जो है इस पत्ती का मुंह खोलना है हमें। अब इस डबल वाली पत्ती में हम इन पत्तियों को इस तरीका से दो पत्ती फंसाएंगे और ऊपर से इसे अंदर ठोक देंगे। अब देखिए हमारा ये ट्रांसफार्मर तैयार हो गया है, अब इसको इस पत्ती में फिट कर देना है। अब इसमें पत्ती लगाने के बाद इसकी ऊपर की पत्ती को जैसे हमने लॉक खोला था इसका, ऐसे ही इसका लॉक दोबारा से लगा देंगे पत्ती को यहाँ से मोड़ के। अब देखिए हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो गया है, इसमें हमने सप्लाई दे दी है, इसके दोनों वायरों में करंट आ रहा है। इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। देखिए अगर आप ये मीटर को डीसी पे लगा के, अगर डीसी पे लगा के चेक करोगे इसके वोल्टेज, तो ये वोल्टेज नहीं बताएगा। इस मीटर को एसी के 200 वोल्टेज पे सेट करना है, उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो देखिए इसमें लगभग 15-16 वोल्टेज करीब निकल रहे हैं, ये लोड पे वही रह जाएंगे 12-14 वोल्टेज इसमें। अब फिर ये ट्रांसफार्मर इस वजह से ये एसी पे दिखा रहा है 15, अगर इसमें डायोड और कैपेसिटर लगा के जब चेक करोगे तो यहाँ लगभग 12-14 के आसपास वोल्टेज दिखाएगा फिर ये।